मुझे अब आराम चाहिए। नमस्कार देवी और सज्जनों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और आज का दिन मेरा फिर से निकल जाएगा बर्बादी में। सो बेसिकली अभी फिर से बाहर जाना पड़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि डे निकल जाता है बाहर और बिना कुछ खाए पिए। काम मेरा नहीं है, अगेन कज़न के पिताजी का है, क्या करें, मना भी नहीं कर सकते। देन सबसे बुरा काम लगता है मुझे वेट करना, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। फाइनली जहाँ पे आना था वहाँ पहुँच गए हैं। बेसिकली हमारे कल्चर में, एज एन कश्मीरी कल्चर में, एक रिचुअल होता है जिसमें मोस्ट ऑफ दी क्लोज रिलेटिव्स को भाग लेना पड़ता है। तो वो आते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसा। हाँ, पैसा देते हैं, लेकिन वो पैसा सारा गुरुजी को जाता है। टोटल स्कैम, दिस इज टोटल स्कैम। बाल पूरे चिपक गए हैं, इतनी देर हेलमेट लगा के रखी है तो क्या होगा। एनीवे, यहाँ कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं। एंड ऑल्सो दिस थिंग, इस वाली दाढ़ी के, इस वाले लुक में मेरे को अपना आप गुंडे जैसे लगता है। वक्त हो रहा है 4 और मैं निकला हूँ घर से 11:30 पे। हालत खस्ता है, थकावट, और तो और ये देख रहे हो नौड़ी जैसा बन गया हूँ, दाढ़ी वाला नौड़ी। ये इसकी वजह से हो रहा है और जिसमें मेरे हेडबैंड का योगदान है। एनीवे, हालत खस्ता होती है, मतलब मजदूरी वाली, क्योंकि कल लोअर बॉडी ट्रेन किया था तो ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40 मिनट्स कंटिन्यूस बाइक राइड कर रहा था जाते हुए और आते हुए। सेम, टांगों में दर्द हो रही है और ठंड अलग से। मुझे अब आराम चाहिए। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नींद से उठा था, बहुत थक गया था, आके पास्ता खाया, देन सो गया और अब जा रहा हूँ मैं पनीर लेने। पनीर तो मिल गया, लेकिन पनीर खरीदना अब दिन ब दिन ना, मतलब एक चैलेंज बनते जाता है, क्योंकि गाय के दूध का पनीर चाहिए, भैंस के दूध का पनीर चाहिए, या मिक्स पनीर चाहिए, क्योंकि सबके क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। सिर दर्दी हो जाती है सब। कोशिश तो है कि कल नहीं तो एटलीस्ट इस आने वाले वीक से मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करूं, और पनीर इसीलिए बिकॉज मैं नॉनवेज खाना पिछले 8 महीने से ज़्यादा हो गया है कि नहीं खा रहा हूँ। एनीवे, कल इसी टॉपिक पे बात करेंगे, न्यूट्रिशन, तो आपसे मिलते हैं कल। और इट्स ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है वेज और नॉनवेज के न्यूट्रिशन लेबल में। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है।